हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं, वो है तवा भिंडी। फ्रेश भिंडियाँ हमने ली हैं और उनके हमने थोड़ा सा स्टिक को छिल लिया है और उसके बाद हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। और भिंडी को हम लोगों ने तब तक फ्राई करना है जब तक भिंडियाँ जो हैं करारी ना हो जाएँ और सॉफ्ट ना हो जाएँ। और भिंडियाँ के पकने का अगर आप आइडिया लगाएंगे तो भिंडियाँ अपना कलर छोड़ना जो है धीरे धीरे शुरू कर देंगी। अभी ग्रीन है जो भिंडी का अपना नेचुरल कलर रहता है। उसके बाद जब भिंडी ऑलमोस्ट जब फ्राई होने लगेगी तो आप देखेंगे भिंडी का कलर जो है बदल चुका है, ये फ्राई हो चुकी है। कुछ अनियन हम लोग लेंगे, अपनी अकॉर्डिंग हम लोग इसको चॉप कर सकते हैं किसी भी स्टाइल में। उसके बाद एक तवे में तेल लेंगे और तेल गर्म होने के बाद कुछ काजू हम लोगों ने भिगोए हैं। भिगोने के पीछे का रीज़न भी ये कि काजू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी साइड तेल हमारा गर्म हो चुका है और उस गर्म तेल में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ इलायची, कुछ काली मिर्च, और फाइनली इसमें हम लोग डालेंगे प्याज को। प्याज को सॉटे करना है हम लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा भी हम लोग प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। इतने में प्याज पक जाए और स्टेज में आ जाए उसके बाद जो है हम इसमें बाकी चीज़ें हम लोग मिलाएंगे, जैसे हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेश टोमेटोज की, टमाटर कुछ हम लोग काट लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। और जब प्याज एक स्टेज में पकना शुरू हो जाए उसके बाद हम लोग टोमेटो को जो है अपने इस पैन में डाल लेंगे, अपने इस तवे में डाल लेंगे कि उसमें कुछ हम लोग चीनी थोड़ा सा ज़रूर ऐड करते हैं। मैं जब भी कुछ खाना बताता हूँ, अब इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा तो एटलीस्ट जो है वो चीनी में मिलाऊं। फिर हल्का अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग इसमें सॉल्ट मिलाएंगे। सॉल्ट मिलाने के पीछे रीज़न ये भी है कि थोड़ा प्याज भी प्याज भी थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, साथ में टमाटर भी जो है थोड़े घुलने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और अब इस बाद हम लोग इसमें डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा जावित्री, और कुछ देर और इसको हम लोगों ने अभी फ्राई करना है क्योंकि देख रहे हैं अभी प्याज ने तो अपनी रंगत छोड़ दी है लेकिन टमाटर को अभी गलने में थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद जो हमने भिगोए थे काजू, और उसी बीच में हम लोगों ने काजू में कुछ सीड्स भी डाल दिए थे, वो सीड्स भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। बस कुछ देर और जो है काजू और मगज जो सीड हमने डाल रखा है उसको भी थोड़ा हम लोग प्याज और टमाटर के साथ में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। स्लो कुक हम लोग कर रहे हैं इसको, एकदम कोशिश कर रहे हैं कि डीम आँच में पके, जिससे ऑयल सारा जो है भले वो काजू का हो या बाकी चीज़ों का हो वो निकलना शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर कुछ देर इसको जो है ठंडा करना शुरू कर देंगे। ठंडा शुरू करने के बाद इसको हमने डालना है मिक्सर में और बना लेना है एक फाइन पेस्ट। उसके बाद दोबारा तेल गरम किया और तेल गरम करने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पिसा हुआ पेस्ट, एक टेबल स्पून के बराबर हम लोग जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो हमने अपनी प्यूरी बना रखी है जिसमें काजू मगज टमाटर कुछ खड़े मसाले और प्याज हैं, उस पेस्ट को जो है हम लोग थोड़ा कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए, जिससे थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जो है पूरी ग्रेवी में मिल जाए। और थोड़ा सा अगर कहीं पे कुछ पहले फर्स्ट स्टेज में अगर इसको पकाना रह भी गया हो तो इस स्टेज में जो है ये
वो कसर हमारी पूरी हो जाएगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग इसमें अपने मसाले मिलाएंगे, जैसे लाल मिर्च, ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, किचन किंग सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, कुछ नमक हमने इसमें डाला, कुछ देर मसालों के साथ में जो है ग्रेवी को या प्यूरे को हम लोगों ने फ्राई करना है, पकाना है, तब तक थोड़ा सा साइड से जो है ऑयल स्प्रेड होना ना शुरू हो जाए। अभी अकॉर्डिंग टू टेस्ट जिस तरीके से हमें तीखा चाहिए, हम लोग अब मिलाएंगे घर में पिसी हुई हमारी साबुत लाल मिर्च का पेस्ट या लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हमने इसमें मिलाया हमारा कसूरी मेथी। ये भी आप हमारी हर डिश में ज़रूर देखेंगे, जब भी आप देखेंगे हम लोग जो है YouTube में जब भी कोई भी खाने से रिलेटेड वीडियो डालेंगे, कुछ चीज़ें तो कॉमन है बॉस, उसमें जो है एक कसूरी मेथी भी है। थोड़ा सा गरम मसाले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी ऑलमोस्ट पकना जो है शुरू हो चुकी है, फिर ग्रेवी की क्वांटिटी को देखते हुए चाहे तो आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी लेनी है और ज़्यादा क्रीमी ग्रेवी लेनी है तो चाहे तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम लोग जो है बटर इसमें ऐड कर रहे हैं, अमूल बटर है, एक छोटा सा स्लाइस हम लोगों ने अमूल बटर का लिया है। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, अब अपने क्रीमी टच के लिए हम लोग इसमें थोड़ा दूध कर रहे हैं ऐड, वो भी मलाई वाला, मलाईदार दूध हम लोग इसमें डाल रहे हैं। इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। अब हमको क्वांटिटी, जिस तरीके से हमें क्वांटिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको पानी मिलाया और अच्छे से पकाने के बाद हम लोगों ने गार्निश करने की कोशिश कर ली इसको धनिया से। ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी जो है लास्ट स्टेज में आ चुकी है, अब टचअप देना शुरू करेंगे हम लोग इसको, यानी फाइनल टच की ओर बढ़ेंगे, और जो हमारी भिंडी थी, फ्राइड भिंडी थी, उनसे अब इसको हम लोग डेकोर करेंगे जिस तरीके से हमको बेसिकली जो है भिंडी तवा दिखती है। चाहे तो इसमें आप कुछ और फ्राइड भी डाल सकते हैं, जैसे कि फ्राइड आप इसमें बैगन डाल सकते हैं, फ्राइड शिमला मिर्च डाल सकते हैं, फ्राइड आप इसमें आलू डाल सकते हैं, कुछ भी, होममेड रेसिपी है, हम लोग चाहे किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनल टच के लिए हम लोग जो है इसमें डालेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम, एक्चुअली बहुत सॉलिड फॉर्म में है इसलिए थोड़ा सा निकलने में हो रहा है। अब गार्निश करेंगे हम लोग इसको फ्रेश धनिया के साथ में, बस लुक अच्छा आना ना खाने में बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मानो कि स्टार्टिंग की एक चीज कमी को ना ये हमारा लुक ही जो है पूरा कर देता है। ये हमारा फाइनल है, फाइनल टच है तवे के ऊपर में भिंडी का। ये हम लोग इसको टेबल के लिए गार्निश कर रहे हैं फ्रेश क्रीम के साथ में। ये हमारी भिंडी तवा रेडी है।